बहुत बहुत नमस्कार आप सभी दोस्तों का, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि ई श्रम कार्ड में आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप गूगल या क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अपना ई श्रम कार्ड डालेंगे। ई श्रम कार्ड डालते ही आपके सामने इस तरह का पोर्टल नज़र आएगा। आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा ई श्रम कार्ड का। ई श्रम कार्ड का पेज ओपन होने के बाद में इस तरह का कुछ पोर्टल आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ई श्रम से जुड़ना हुआ आसान, अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें उमंग ऐप, ई श्रम कार्ड ऐप द्वारा हम ई श्रम पर पंजीकरण कर सकते हैं। आप इस ऐप के द्वारा भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लस इस साइट पर जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर पेंशन के लिए भी जो 3,000 रुपये पर मंथ मिलती है उसके लिए भी आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर मैं ई श्रम कार्ड की बात करूँ तो 29,63,68,153 ई श्रम कार्ड अभी तक का इशूड हो चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी जॉब देख सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए आप साइट देख सकते हैं और ई श्रम डाटा एसेस ये देख सकते हैं। ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और ई श्रम कार्ड क्यों बनाया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि ये उन सभी लोगों के लिए है जो ई श्रम कार्ड योजना भारत देश के गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजना है। इस योजना में ऐसे लोगों को ई श्रम कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जिस कार्ड की मदद से उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं, लाभ और सभी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। यहाँ पर हर प्रकार से जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सुविधा चलाई जा रही है, वो सभी सुविधा आपको यहाँ पर मिलता है। अब ई श्रम कार्ड के अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो इस योजना में लोगों को आवास योजना के लिए राशि प्रदान की जाती है। ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक राशि भी दी जाती है। ई श्रम कार्ड धारकों को हर 2,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है। भविष्य में ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन की सुविधा भी मिल सकती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है। ई श्रम कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज जो आपके पास में होना चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक खाता, ई पासबुक और मोबाइल नंबर, इनसे आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको इस साइट पर जाना होगा, होम साइट पर जाना होगा। होम साइट पर जाने के बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना होगा, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रोविडेंट फंड यूज़ कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जॉब में आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोविडेंट फंड या ESI कट रहा होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये उनके लिए है जिनका जो बहुत ही ऐसे स्तर से हैं जिनके पास में इसकी सुविधा नहीं है, तो उसके लिए ये ई श्रम कार्ड बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप नो करते हैं उसके बाद ही आप अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है और आपको कैप्चा डाल के सेंड OTP पे करना है। बाकी जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल आपको फिल करनी है। आपके पास में अपना आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका उम्र 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो मैं और आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।